नमस्कार मित्रों, सोसा जी विद्रु दीक्षित चैनल में मैं सुखपाल दीक्षित आपका स्वागत करता हूँ। आज आपके साथ मैं जिस विषय पर चर्चा कर रहा हूँ वो है जनजाति, जनजाति समाज और संबोधित विकास। उत्तर प्रदेश के एक महाविद्यालय में आयोजित वेबिनार में देश के प्रख्यात समाजशास्त्री अरविंद जोशी जी का ये उद्बोधन मैंने रिकॉर्ड किया है, जो मैं उनकी उन्हीं की भाषा में उन्होंने जो व्याख्यान दिया है उसको यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसमें उन्होंने जनजाति समाज के विभिन्न पहलुओं, विभिन्न फलकों की चर्चा करते हुए संबोधित विकास, विकास और जनजाति समाज को उल्लेखित किया। उसको बहुत ही बेबाकी के साथ उन्होंने अपने विचार रखे हैं। ईसवी चरण महाविद्यालय उत्तर प्रदेश का एक प्रख्यात महाविद्यालय है, जहाँ पे वेबिनार आयोजित किया गया था 3 सितंबर 2021 को। उसमें अरविंद जोशी जी के विचारों को मैंने रिकॉर्ड किया है, जो उनकी अनुमति से मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्राचार्य प्रोफेसर आनंद शंकर सिंह जी, प्राचार्य प्रोफेसर आनंद शंकर सिंह जी, डॉक्टर इंदिरा श्रीवास्तव जी, वेबिनार कन्वीनर डॉक्टर विकास कुमार, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर शाइस्ता इरशाद, प्रोफेसर सी एस ठाकुर जी, प्रोफेसर आशीष सक्सेना जी एवं नेशनल वेबिनार में उपस्थित सभी प्रतिभागीगण, आप सभी का वंदन और अभिनंदन। प्रसन्नता है कि ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज ने एक अति महत्वपूर्ण विषय पर नेशनल वेबिनार का आयोजन किया है और मुझे अपने विचारों को अभिव्यक्त करने हेतु आमंत्रित किया है। मैंने कोई अलग से विशेष रूप से कोई जनजाति पर कार्य नहीं किया है, लेकिन मेरा जनजाति अध्ययन में मेरी रुचि रही है और बहुत पहले, आज से करीब 40 साल पहले मैंने कुछ कार्य भी किया था और जिस पर मुझे पुरस्कार भी मिला था, और संयोग से अंडमान निकोबार मेरे अध्ययन का क्षेत्र रहा है। और आप जानते हैं अंडमान निकोबार में जो जनजातियां रहती हैं वह बहुत महत्वपूर्ण है और देश के बहुत सारे लोग उसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं, तो वहां पर रहने पर मुझे कुछ इसके बारे में कुछ रुचि उत्पन्न हुई और थोड़ा बहुत मैंने भी ट्राइबल्स के बारे में सोचा, पढ़ना लिखना सोचा, और कभी कभार मैं ट्राइबल्स के बारे में भी चर्चा करता रहता हूँ। ट्राइबल्स क्षेत्र में मेरे कार्य का अनुभव भी है, क्योंकि अभी हाल ही में मैंने कन्हर परियोजना, जो कि लगभग 40 वर्षों से जनजाति क्षेत्र में जो डैम बन रहा है वो बन नहीं पा रहा था, भारत का एकमात्र ऐसा डैम है जो विगत 40 वर्षों से बन रहा है और बन नहीं पाया, तो उसका विवाद ग्रीन ट्रिब्यूनल में चला गया था। बाद में वो काम हम लोगों को दे दिया गया कि आप जाकर के उसका जरा SIP करने की कोशिश कीजिए, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे कीजिए। तो अभी हम लोगों ने वो कन्हर जो परियोजना बन रही है उसके समस्त जनजाति क्षेत्रों में जाकर के कार्य किया है और उसकी रिपोर्ट जो है सबमिट कर दी है। तो उस आधार पर हम लोगों को ये भी आवश्यक था कि जनजातियों के बारे में कुछ पढ़ें लिखें। मैं यहाँ पे जो अपनी बातों को आपके समक्ष रखूंगा वो बहुत सरल तरह से रखूंगा, कुछ मानव शास्त्रीय दृष्टि से भी उसको देखने की कोशिश करूंगा और बाकी फिर समाज शास्त्रीय दृष्टि से उस पर प्रकाश डालूंगा। तो यदि इस दृष्टि से देखा जाए तो मेरा जो उद्बोधन है वो 4 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर रहेगा। जैसे मैं एक सबसे पहले मैं उसके बारे में जो मानव शास्त्री जो संकल्पना है और उसके जो विचार जो सामने आया उसके कारण उसमें क्या बातें हैं उसको बताने की कोशिश करूंगा और एक जनजातियों का सामान्य परिचय दूंगा कि भारतवर्ष में किस तरह से जनजातियों को देखा गया है और उनका किस प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन है। इसके बाद हम ये कोशिश करेंगे कि औद्योगिकरण का क्या जनजातियों पर प्रभाव पड़ा, जनजातियों का अध्ययन जो है उसमें कौन कौन से उपागम है और कौन सा उपागम जो है उसमें सटीक बैठता है, क्योंकि अभी तक शायद आप में से बहुत से लोग जानते भी होंगे कि जनजाति की जो नीति बनी है भारत सरकार के द्वारा अभी भी बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं है। अभी भी कुछ लोग हम में से ऐसे हैं जो ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड में जो उस समय के एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे या जो पॉलिसी मेकर्स थे, एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, उनके विचारों को वो जो है महत्व देते हैं और कुछ ऐसे हैं जो दूसरे विचारों को देते हैं। 3 अलग अलग धाराएं हैं, उन पर बहुत संक्षेप में अपनी बातों को कहूंगा। जनजातियों की जो समस्याएं हैं मुख्य, उन समस्याओं का भी उल्लेख करना चाहूंगा, पंचशील के संदर्भ में भी अपनी बात को कहना चाहता हूं और थोड़ा सा मैं सरकारी जो नीतियां हैं, प्रावधान है, कार्यक्रम है और जो प्रभाव है उन पर चर्चा करूंगा। समय बहुत सीमित है और सीमित समय है और हमारे पास 2 महत्वपूर्ण विद्वान हैं, प्रोफेसर CSS ठाकुर और प्रोफेसर आशीष सक्सेना, जो मुझसे ज्यादा विद्वान हैं और मुझसे अच्छी तरह से अपनी बातों को कह सकेंगे। फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि कुछ बातों को जो बहुत सरल है आपके समक्ष प्रस्तुत करूं। मैंने कई पुस्तकों का अध्ययन किया है जनजाति क्षेत्र में और कई जो बड़े नेतृत्व शास्त्री थे उनसे संपर्क का भी व्यक्तिगत रूप से मुझको मौका मिला और मैंने उनके सानिध्य में जो कुछ भी जानने की कोशिश की उसके आधार पर, उनके पुस्तकों के आधार पर कुछ बातों को आपके सामने कह रहा हूं। जो मानव शास्त्री हैं अगर उनकी दृष्टि से कहें तो मनुष्य एक विकासवादी प्रक्रिया का उत्पाद है जो उसकी प्रकृति, प्रतिभा
और शक्ति को निर्धारित करती है। तो सभ्यता का जो तत्व को अगर कोई सामाजिक जीवन के ऐतिहासिक स्वरूप के रूप में माना जाता है कि अगर ऐतिहासिक जीवन के स्वरूप के रूप में अगर हम उसमें देखें तो यह मानते हैं कि जो जंगलीपन बर्बरता और सभ्यता की एक मापित रेखा के साथ इसका विकास हुआ है। समकालीन मालिन जो मानव समूह है जो जीवन की मूल दशाओं की स्थिति में या उसकी विशेषताओं को वहन कर रहे हैं संस्कृति के निम्न ग्रेड अर्थात जंगलीपन और बर्बरता से युक्त हैं उन्हें प्रिमिटिव या आदिम के रूप में ब्रांडेड किया जाता है। जिसकी विशेषताएं हैं तो हम लोग विशेषता बताते हैं जनजातियों की क्या विशेषताएं हुआ करती हैं। तो जो मानव शास्त्री जो है उस दृष्टि से जो देख रहे हैं जो उनमें ये तत्व देख रहे हैं कि कैसे उनमें जंगलीपन और बर्बरता के तत्व हैं कैसे वो प्रिमिटिव या आदिम के रूप में हैं तो वो बताते हैं कि उनका जो उनकी जो विशेषताएं हैं वो ये है कि एक संपूर्ण विश्व एक मानसिक ब्रह्मांड जिसकी अपनी विशेष जिसका अपना विशेष चरित्र है स्वायत्त शासी पृथक एक छोटे से क्षेत्र में हमेशा रहता है एक एकल जैविक प्रकार और पारंपरिक रूप से प्रतिरूपित मानदंडों और व्यवहार के साथ दृढ़ता से निर्जाति केंद्रित इत्यादि विशेषताएं जो जिनमें होती हैं उन्हीं को हम लोग जनजाति कहते हैं। लेकिन मानव वैज्ञानिकों ने यह महसूस किया कि कुछ वास्तविक समाज आदिम आदर्श प्रारूप के अनुरूप हो सकते हैं। उन्होंने एक वैकल्पिक शब्द ट्राइब का उपयोग करना शुरू कर दिया। सामान्य रूप से हम लोग ट्राइब या प्रिमिटिव या इसी तरह से और जो शब्दों का प्रयोग करते हैं सबका प्रयोग एक समान रूप से करते हैं लेकिन जो मानव शास्त्री हैं उन्होंने उसको दूसरी दृष्टि से देखना प्रारंभ किया और उन्होंने जो प्रिमिटिव है और जो ट्राइब है दोनों में डिफरेंस करने की कोशिश की थी। तो ट्राइब्स क्या है ट्राइब्स किसको कहते हैं तो उन्होंने उसको परिभाषित किया कि ट्राइब्स रेफर्स टू अ कॉन्स्टिलेशन ऑफ समवॉट रिफॉर्म एस्पेक्ट्स ऑफ प्रिमिटिव लाइफ जनरली कंस्टिट्यूटिंग ए होमोजेनियस यूनिट स्पीकिंग ए कॉमन लैंग्वेज क्लेमिंग ए कॉमन एंसेस्ट्री लिविंग इन अ पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया लैकिंग इन साइंटिफिक नॉलेज एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड हैविंग ए सोशल स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन किनशिप। ये उसकी जो है अति सटीक परिभाषा है और इस परिभाषा को यदि आप देखें और प्रोफेसर वैद्यनाथ सरस्वती की पुस्तक का अगर आप अध्ययन करने की कोशिश करेंगे तब आपके मन में जो दिमाग में जो एक कंफ्यूजन बना हुआ है वो दूर होगा। तो जो ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी इज अ चैलेंज टू दी एंथ्रोपोलॉजिकल डिफिनेशन ऑफ ट्राइब। भारत की विशाल आबादी एक अत्यधिक बौद्धिक वर्ण जाति प्रणाली में संगठित है जिसके भीतर विशाल संख्या में अनपढ़ समूह हैं जो स्पष्ट रूप से प्रिमिटिव या ट्राइबल के रूप में चिन्हित हैं। वर्ण जाति लोगों की कई मान्यताएं हैं और प्रथाएं अपेक्षाकृत अलग थलग जाति में रहने वाले आदिम समूह में अलग अलग जो आदिम समूह हैं उनमें अप्रभेद इनडिस्टिंग्विशेबल हैं। ब्रिटिश प्रशासक नृवैज्ञानिक जो मैंने आपको शुरू में उल्लेख किया था जो ब्रिटिश प्रशासक थे उनमें से बहुत सारे नृवैज्ञानिक भी थे यानी वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी थे जिन्होंने सर्वप्रथम भारत में नृविज्ञान को इंट्रोड्यूस किया एंथ्रोपोलॉजी को जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया वे भारतीय स्थिति की जटिलता को समझ नहीं पाए ऐसा एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट है उनका अब मानना है। यह उनकी सिफारिशों पर था कि प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए भारतीय जनसंख्या को जाति और जनजाति में विभाजित किया गया था और देश के कुछ हिस्सों को आदिवासी क्षेत्रों जिसको हम लोग बोलते हैं एबओरिजिनल्स एरियाज के रूप में आरक्षित किया गया था या जिसे तकनीकी रूप से बहिष्कृत क्षेत्र एक्सक्लूडेड एरिया और आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया के रूप में जाना जाता है। तत्कालीन भारतीय निर्धक शास्त्रियों ने ब्रिटिश नीति का समर्थन किया और जो ब्रिटिश नीति जो थी वो आप समझ सकते हैं कि उस समय के जो ब्रिटिशर्स यहाँ पे हमारे देश में रहते थे वो बहुत मोहित थे इस बात से मोहित थे कि जनजातियों का जो जीवन है वो स्वच्छंद है जनजातियों का जीवन जो है वो बहुत निरंकुश प्रकार का है इसलिए जनजातियों को उन्होंने कहा कि उनको दे शुड बी लेफ्ट अलोन उनको अलग रख देना चाहिए। और आपने इस संदर्भ में सुना भी होगा जो वेगर एल्विन की बात आती है उन्होंने ये कहा कि इन देर अगर हम ये देखें संपूर्णता की दृष्टि से तो इन देयर ओपिनियन कॉन्टेक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड हैज प्रूव्ड फेटल फॉर द ट्राइब। उन्होंने कहा कि बाहर के लोगों से अगर संपर्क होगा तो इनके लिए बहुत घातक होगा इसीलिए एससी रॉय ने डिसइंटीग्रेशन एंड डिग्रेडेशन की बात कही और डीएन मजूमदार ने रैपिड डिसअपीयरेंस की बात कही है। बाद में आपने देखा होगा कि वेरियर एल्विन हम लोग के सामने आते हैं जिन्होंने एक नेशनल पार्क की बात कही और यह कहा कि जनजातियों को एक नेशनल पार्क के रूप में सुरक्षित रख लिया जाना चाहिए यद्यपि इसका विरोध भी किया। उस समय के जो बहुत महत्वपूर्ण जो नेशनलिस्ट सोशल वर्कर थे एवी ठक्कर बापा उन्होंने उसका विरोध किया और कहा कि ये जो थ्योरी है आपकी
सेपरेशन की और सेग्रीगेशन की, आइसोलेशन की थ्योरी जो है उसको हम लोग स्वीकार नहीं करते हैं। तत्कालीन समय में आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस वहां पे थी, जवाहरलाल नेहरू जी का भी बहुत ज्यादा जनजातीय नीति में हस्तक्षेप रहा, तो उन लोगों ने भी एक एक्सक्लूडेड एरिया की बात जो थी उसको कहा कि उसको जो है हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। और इस तरह से जो ब्रिटिशर्स थे उनके विचारों को ही हम लोगों ने समर्थन किया। भारत में जनजातियों का जो नेतृत्व विज्ञान है एक नई सैद्धांतिक बहस में प्रविष्ट हुआ, और ये कब प्रवेश करता है, जब एनके बोस ने जनजातीय अवशोषण की हिंदू पद्धति को चिन्हित किया, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदू मेथड ऑफ ट्राइबल एब्जॉर्प्शन, और जीएस घुरिया ने जनजाति को हिंदू सब सिस्टम के रूप में माना। सुरजीत चंद सिन्हा को अगर हम लोग देखें तो उनका कहना था, उन्होंने इसका व्यवस्थित और गहराई से पालन किया और तब से सिद्धांत और पद्धति दोनों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये तीन लोग ऐसे हैं जिन्होंने सिद्धांत और पद्धति में महत्वपूर्ण योगदान दिया, लेकिन आज भी इसकी बहस चल रही है, पूरे देश में इसकी बहस चल रही है। अब उसकी बहस के अगर डिटेल में हम लोग जाएंगे तो हम लोगों को भारत सरकार की नीतियों की उस दृष्टि से समीक्षा करनी होगी जो कि अभी वर्तमान संदर्भ में, यानी जो ये वेबिनार है इसके सत्र के दौरान, ये बहुत ज्यादा संभव नहीं है। मैं अब दूसरे पक्ष में मैं आता हूं कि सामान्य रूप से लोगों को यह मालूम होना चाहिए कि वो जनजाति किसको कह रहे हैं, कौन जनजाति है, कितनी जनजातियां हैं, इनके कौन कौन से क्षेत्र हैं, और किसने किसको किस तरह से परिभाषित करने की कोशिश की। यदि आप 1941 की जनगणना को देखें तो 1931 की सेंसस को यदि आप देखें तो उसमें इनको कहा गया था प्रिमिटिव ट्राइब्स। 1935 में बनी सूची में उन्हें बैकवर्ड ट्राइब्स की संज्ञा दी गई। बैकवर्ड ट्राइब्स की संज्ञा दी गई। 1951 की जनसंख्या में 212 आदिम जनजातियों का उल्लेख मिलता है। आज भारतवर्ष में लगभग 569 तरह की जनजातियों की बात कही जाती है कि इतने तरह की जनजातियां देश में निवास करती, यद्यपि यह कोई प्रामाणिक तथ्य नहीं है, यानी कोई एक विद्वान की बात सब लोगों को नहीं मान्य है, अन्य लोगों ने इससे भी अधिक जनजातियों का उल्लेख किया है। जैसे मैं योगेश अटल जी का उल्लेख करना चाहता हूं, उन्होंने कहा कि नहीं, इनकी जो संख्या है वो 700 के करीब है। डिफरेंट प्रकार के जो जनजाति हैं वो लगभग 700 हैं। उनमें सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक विकास की दृष्टि से विविधता है, और इस विविधता को मैं आपको बता सकता हूं कि आज भी इस देश में ऐसी जनजातियां हैं जिनको खाना पकाने की कोई कला नहीं आती है, ऐसी भी जनजातियां हैं जो सभ्य मानव को देखते ही उसको अपने हिंसा का शिकार बना देती हैं, उसको मार देती हैं। कई वर्षों तक मैंने शोध कार्य किया है अंडमान निकोबार में, और जब मैं वहां रहता था उस जमाने में 1980 के दशक में और कई वर्षों और आगे तक, तो उस समय जो जारवा थे, जो सेंटिनली थे, वो बड़े खूंखार माने जाते थे और वो मानव लोग सभ्य मानव से दूर रहते थे। वहां बुश पुलिस रहती थी, उनको सभ्य बनाने के लिए कोशिश की गई एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, और भारत सरकार ने करोड़ों रुपया खर्चा किया कि उनको सभ्य बनाया जाए, और धीरे धीरे करके ओंगी को, अंडमानी को और भी अन्य जनजातियां जो हैं उनको उन्होंने सभ्य मानव बनाने में सफलता प्राप्त की है। तो ये जो जनजातियां हैं ये विविध प्रजातीय, भाषाई, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक श्रेणियों में विभक्त हैं। कुछ जनजातियां ऐसी हैं जिनकी जनसंख्या बहुत ज्यादा है, कुछ ऐसी हैं जिनकी जनसंख्या बहुत ही कम है, और ऐसी भी जनजातियां इस देश में हैं इस समय जो समाप्त होने के कगार पे हैं। उनकी संख्या जो है पूरी की पूरी जनसंख्या 100 से भी कम हो गई है, और उस पर कार्य हो रहा है कि कैसे उन जनजातियों को बचाया जाए। कुछ जनजातियां जो हैं खानाबदोश हैं, कुछ बहुत प्रिमिटिव टाइप की हैं, किसी में स्थिर कृषि का होता है, किसी में व्यवसाय भी होता है, और कुछ जो है बहुत ज्यादा आज आधुनिक समाज के साथ साथ चलने लगी भी हैं। सामान्यतः गैर जनजातियों से आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक रूप से ये अभी भी पिछड़ी हुई हैं। एलपी विद्यार्थी ने 1974 में जब अपना अध्ययन किया उसमें उन्होंने इनको चार क्षेत्रों में बांटा कि भारत के ये चार क्षेत्रों में जनजातियां जो हैं विभक्त हैं, और इन चार क्षेत्रों में जो क्षेत्र हैं इनकी जनजातियों में कुछ ना कुछ समानता पाई जाती है। उन्होंने हिमालयी क्षेत्र, मध्य भारत क्षेत्र, पश्चिमी भारत क्षेत्र और दक्षिण भारत क्षेत्र के रूप में इनको विभाजित किया। घुरिया ने द शेड्यूल्ड ट्राइब्स 1963 नामक जब किताब लिखी उसमें इनको, जैसा मैंने उल्लेख किया था कि एक हिंदू सब सिस्टम का पार्ट माना था, और इन्होंने कहा कि ये आदिवासी और एबोरिजिनस नहीं कह सकते इनको, इनको यह कहना जो है कतई ठीक नहीं है। उन्होंने पिछड़े वर्गों की तरह यह माना कि चूंकि इनकी सामाजिक सांस्कृतिक जो विशेषताएं हैं वो विशेष प्रकार की हैं, ये अत्यंत पिछड़े हुए हैं, इसलिए उन्होंने इनको एक नया शब्द दिया जिसको कहा गया कि पिछड़े हिंदू। स्वतंत्रता पूर्व भारत की जनजातियों का जनगणना अधिकारियों ने जितने थे उन्होंने ये माना कि ये एनिमिस्टिक होते हैं, यद्यपि बाद में ये जो है इसमें विचार में परिवर्तन आया कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है कि सभी जनजाति जो है एनिमिस्टिक हैं, ऐसे नहीं है, जनजातियों में अलग प्रकार के लोग भी हैं। हिंदुओं और उन
लोगों में जो अपना धर्म मानते थे से उन्होंने उसका विभेद किया। आज भी देश में आप देख सकते होंगे बहुत सारी ऐसी जनजातियां भी हैं जिनका धर्म परिवर्तन करा दिया गया है और वो एक अलग धर्म का उल्लेख करते हैं कि हम उस विशेष धर्म के हैं। जब भी कुछ विद्वान जो हैं इन सब चीजों से असहमत हैं, उन्होंने ये कहा कि हिंदुइज्म और एनिमिज्म में विभेद कठिन, जनजातियों के धर्म में कोई एक समान प्रतिरूप नहीं है, हिंदुओं के ही एक स्वरूप के रूप में कुछ विद्वान उनको देखते हैं और ऐसे कई विद्वानों को आप जानते हैं। अरावली पहाड़ियों को यदि देखें, विंध्य सतपुड़ा और महादेव की पहाड़ियों को देखें, छोटा नागपुर को पठार और अन्य कई क्षेत्रों में रहने वाली जनजातियों में अगर आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा विविधता है। आप उत्तराखंड की जनजातियों को देखेंगे एक विशेष प्रकार की हैं और नॉर्थ ईस्ट की जनजातियों को आप देखेंगे तो एक विशेष प्रकार की हैं और इनमें उद्विकास के स्तर पर भी आप बहुत ज्यादा अंतर देख सकते हैं। संख्या की दृष्टि से भी यदि देखा जाए तो मैं कुछ जनजातियों का उल्लेख कर सकता हूं, जैसे गोंड संथाल है, भील ओराव कोंद मुंडा भुया हो या सवारा कोरकू कोल मालेर बैगा और मीना उल्लेखनीय है। इन लोगों की जनसंख्या जो है पर्याप्त है। बहुत सी जनजातियां जो है हिंदू हैं या हिंदू धर्म के समान हैं। भाषा भी समय के साथ साथ बदली है। ईसाई धर्मावलंबी भी अनेकानेक हैं और इसको लेकर के देश में एक बहस भी चल रही है और कई बार वह विवाद का बिंदु भी बन जाता है कि कैसे धर्म जनजातियों का धर्मांतरण किया जाए। कई जनजातियों ने हिंदू रीति रिवाजों को अपना लिया है, वे भी छुआछूत का पालन करने वाले हैं और अपने से नीचे की एवं कुछ अनुसूचित जातियों का भोजन ग्रहण नहीं करते हैं। उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम लोगों में एक व्यवस्था है, सामाजिक संतरण की एक व्यवस्था है या जाति व्यवस्था के अंतर्गत जिस प्रकार के निषेध हैं, उस प्रकार के निषेधों का वो भी पालन करने लगे हैं। मैंने वेरियर एल्विन का उल्लेख किया था, उन्होंने 1943 में कहा था कि कुछ अपवाद के तौर पर उत्तर पूर्व राज्यों की जनजातियों को छोड़कर बाकी सभी हिंदू हैं, यद्यपि उनकी प्रजाति अलग अलग प्रकार की है। कई नृतत्व शास्त्रियों ने जाति और जनजाति में विभेद किया है। विभेद का आधार शारीरिक बनावट है। कई बार हम लोग ये समझ नहीं पाते हैं और ये प्रश्न उठता है कि जनजाति और जाति में क्या अंतर है, तो बहुत सारे ऐसे भी हमारे लोग होते हैं जो छात्र होते हैं या जो जिनका इसमें विशेष ज्ञान नहीं हुआ होता है वो उसको बताने में असमर्थ होते हैं। और जिन लोगों ने इस प्रकार का विभेद किया उन विभेद वाले विद्वानों का नाम पे यदि हम उल्लेख करें तो हम ये बता सकते हैं कि हर्बर्ट रिजले हैं, खुरिए हैं, हट्टन हैं, बीएस गुहा इत्यादि अनेक विद्वान हैं जिन्होंने इसका उल्लेख किया है। किसी समूह को जनजाति कहना कानून के अंतर्गत वैधानिक प्रस्थिति लेजिस्लेटिव स्टेटस जो है वो प्राप्त है। भारत में जनजाति बाहुल क्षेत्र की तीन मुख्य श्रेणियां हैं, प्रमुखतः जनजाति राज्य या संघ राज्य, दूसरा अनुसूचित क्षेत्र और तीसरा है राज्य में गैर अनुसूचित क्षेत्र। एसटी पॉपुलेशन को यदि भारत के संदर्भ में देखा जाए तो कुल लगभग, ये मेरे पास एक आंकड़ा है और इस समय सब आंकड़े उपस्थित नहीं है मेरे पास क्योंकि मैं बाहर हूं, लेकिन एक पुराना आंकड़ा मेरे पास 2011 के आसपास का है जिसमें यह बताया गया कि भारत में जो एसटी जो पॉपुलेशन है वो लगभग 10 करोड़ 43 लाख के आसपास है, जिनमें ग्रामीण 9 करोड़ 40 लाख और शहरी 1 करोड़ 4 लाख है। इनका जो एसडीआई है बहुत निम्न है और जो शिक्षा स्वास्थ्य आय की जो स्थिति है वो बहुत दयनीय है। इनमें से लगभग 1.5% जो है प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप में है और यहां पर उल्लेख करना बहुत जरूरी है कि जब हम इस तरह की बातों का उल्लेख करते हैं तो हमें यह जानना चाहिए कि हम किन शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं या कौन से शब्द जो है भारत सरकार ने अब कहा है कि उनका हमको उल्लेख करना चाहिए। हम आप किसी को प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप नहीं कह सकते हैं, अब उनका एक नया नाम दे दिया गया है जिसको कहा गया है पीवीटी, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, विशिष्ट संवेदनशील जनजातीय समूह। तो पीवीजी के लगभग 75 समूह हैं, इनकी कुल अनुमानित जनसंख्या 24.62 लाख है। हम लोग पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब्स इनको बोलते हैं और हमको अब इन पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि बहुत सारे अन्य जो जनजाति समूह हैं वो बहुत विकसित हो गए हैं या वो जो सभ्य समाज है उसके साथ जो है घुल मिल गए हैं, लेकिन अभी भी कई ऐसे पीवीटी ग्रुप्स हैं जिनकी स्थिति जो है बहुत खराब है, बहुत दयनीय है और हम में से अधिकांश लोगों का ध्यान जो है उनकी तरफ नहीं जाता है, तो हमको इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और इनका जो प्रतिशत है जो संपूर्ण जनसंख्या में उसको देखा जाए तो 1981 में जहां यह 7.7% था, 1991 में ये 8.08% हो गया, 2001 में ये 8.20% हो गया और 2011 में 8.6% हो गया है। और ऐसी उम्मीद है कि 2021 में जो आने वाले समय में जो जनगणना होने जा रही है इनका परसेंट लगभग 10% हो जाएगा। तो जब 10% ये हो रहे हैं तो हमको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके कारण जो है हमारे देश का जो सामाजिक आर्थिक स्वास्थ्य है वो उतना अच्छा नहीं हो पा रहा है। और अगर हमको अपने देश को विश्वगुरु बनाना है, आगे बढ़ाना है, तो हमको इनके विकास की ओर भी देखना होगा। तो नियोजित विकास प्रारंभ होने के उपरांत जो है
तीन प्रकार के उपागम हमारे सामने आए थे, जिसका मैं यहाँ पे उल्लेख करना चाहता हूं, क्योंकि आज भी यह बहस का मुद्दा है और जब भी ये जनजातियों से संबंधित जब ये केंद्र में कोई बैठक होती है तो यह मुद्दा अक्सर उसमें उठता है और हम में से बहुत सारे समाजशास्त्री, यहां तक कि नृत्यशास्त्री भी इसको लेकर कंफ्यूज हैं कि हम लोग को कौन सी पॉलिसी, कौन से अप्रोच का सहारा लेना चाहिए। तो तीन जो मुख्य उपागम है, वो पहला है आइसोलेनेसिस, दूसरा है एसिमिलेशनिस्ट और तीसरा है इंटीग्रेशनिस्ट। एक जो है ब्रिटिश विरासत है, जिसका कहना था कि लीव देम अनटच्ड, वेरियर एल्विन का मैंने आपको उल्लेख किया था, उसने इसका समर्थन किया। वो कहता है कि इनको अनटच छोड़ दो, और उसने नेशनल पार्क की बात कही थी या स्पेसिमेंस इन ए ह्यूमन जू का विचार रखा था। इस उपागम का ज्यादा दिनों तक पालन नहीं किया गया और कई बार कंट्राडिक्टरी नीतियों के कारण या कंट्राडिक्टरी अप्रोच के कारण आप देखे होंगे दोनों प्रकार की नीतियां साथ साथ चलती रहीं और एक बड़ी रोड जो है ग्रैंड ट्रंक रोड की तरह से एक भयंकर रोड जो है और लंबी दूरी की रोड जो है जनजातीय क्षेत्र में बना दी गई, जिसको रिजर्व एरिया किया गया था। दूसरी जो सात्वीकरण की जो नीति है, इस उपागम में गैर जनजातियों से मेलजोल बढ़ाने की बात कही गई थी, किंतु यह उपागम भी जो है असफल सिद्ध हुआ। और तीसरा है इंटीग्रेशनिस्ट, यह उपागम मध्यम मार्ग है, जिसके बारे में जवाहरलाल नेहरू ने उल्लेख किया था, यह उनके दिमाग की उपज है और इसीलिए उन्होंने एक पंचशील का विचार भी रखा था उस समय। एकीकरण की जो नीति है, जनजातीय विकास के दो प्रकार के उपायों को अपने में समाहित करती है। पहला है प्रोटेक्टिव, फॉर एग्जाम्पल लैंड पॉलिसीज, फॉरेस्ट पॉलिसीज एंड पॉलिसीज टू प्रोटेक्ट ट्राइबल कल्चर एंड ट्रेडिशंस। दूसरा है प्रोमोशनल मेजर, तो प्रोटेक्टिव एंड प्रोमोशनल मेजर्स, प्रोमोशनल मेजर्स में कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजंस हैं उनको रखा गया है, जैसा कि आर्टिकल 15(4), 46, 244(1) एंड 339 विशेष प्रावधान की बात करता है। इसी तरह से फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल तथा आर्टिकल 275(1) इत्यादि भी हैं जो प्रमोशनल मेजर्स की बात करते हैं। हमारे देश में बहुत सारे कमीशन बने जनजातियों को लेकर के, और आज भी आप भी जानते होंगे देश में बहुत सारे संस्थान हैं जनजातियों के, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। ये इतने ज्यादा संस्थान हैं लेकिन उसके हिसाब से उनका जो परिणाम है वो हम लोगों को अभी नहीं प्राप्त हुआ। हम लोगों को क्या कहें, जनजातियों को उस प्रकार का कोई बहुत ज्यादा उससे कोई लाभ अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। देबार कमीशन जो 1961 बना था ने भी एकीकरण उपागम पर जोर दिया, जिसके बारे में अभी मैंने उल्लेख किया, जिसका समर्थन जवाहरलाल नेहरू भी करते थे और कई बार उनके विचारों को लेकर के एक बड़ा विवाद भी आजकल पैदा होता है, क्योंकि उससे जनजातियों का बहुत ज्यादा अहित भी हो रहा है। एससी दुबे ने 1972 में, जो कि जनजातियों से संबंधित एक कमेटी के चेयरमैन थे, ने यह सलाह दी थी कि नई रणनीति को पांचवी योजना में बनाया जाए। उन्होंने कहा कि फॉर्मेट ए न्यू स्ट्रेटेजी, बहुत पुरानी बात है, 1972 में वो बात करते हैं, लेकिन इस प्रकार की कोई बात नहीं आई। एकीकरण के संदर्भ में जब मैं बात कर रहा था तो मैंने जवाहरलाल नेहरू का आपके सामने उल्लेख किया था, तो जवाहरलाल नेहरू का एक स्टेटमेंट है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, और जब भी जनजातियों के संदर्भ में बात होती है या जब भी जनजातियों को अपरूट किया जाता है, जनजातियों को बेदखल किया जाता है, जनजातीय क्षेत्र में किसी प्रकार की विकास की योजना बड़ी इंप्लीमेंट की जाती है, तो वो बात सामने आती है जब उन्होंने कहा था डैम्स आर द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत के डैम जो है वो मंदिर है। इसका मतलब क्या है, उन्होंने उस पर ज्यादा इंफेसिस दिया जवाहरलाल नेहरू ने, उन्होंने कहा कि द बिग डैम वुड एड्रेस द इश्यूज ऑफ हंगर एंड पॉवर्टी ऑफ इंडिया, ये जो भारत में जो पॉवर्टी और हंगर है उसके मुद्दों को वो देखेंगे, यानी उनके कारण वो सारे जो मुद्दे हैं वो समाप्त हो जाएंगे। और उन्होंने जनजातियों से अपील भी की थी कि आप लोग इसका विरोध मत करो। बड़े उद्योगों, लोहा, कोयला, खदान एवं अन्य जो माइनिंग इंडस्ट्रीज से आदिवासियों का जो है संकट वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, वे भूमिहीन हो गए हैं, दैनिक वेतन भोगी श्रमिक और नौकर बन गए हैं, अपनी जमीन, पानी, जीविका निर्वाह के स्रोतों से वो वंचित हो गए हैं और अमीरों के गुलाम। नेहरू जी ने आदिवासियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि इफ यू आर टू सफर यू मस्ट सफर इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, अगर आप सफर कर रहे हैं तो आपको सफर करना चाहिए देश के हित में। लेकिन और उनके लिए कोई बहुत विशेष प्रावधान नहीं किया गया, आज भी वो सफर कर रहे हैं और ये सफर करने का ही यह परिणाम है कि आप देखते होंगे देश के अनेक हिस्सों में कई बार सिविल सोसाइटी के लोग, एनजीओ के लोग जो है अनेक मुद्दों को उठाते हैं, अनेक लिटिगेशन सामने आते हैं, कई मुकदमे हो गए। नेहरू जी ने राष्ट्रीय हित के लिए हमेशा त्याग, उन्होंने राष्ट्रीय हित के लिए हमेशा त्याग किया जनजातीय के लोगों ने, लेकिन राष्ट्रीय हित के बदले जो फल के जो लाभ उनको मिलना चाहिए था, जिसके बारे में मैं अभी कह रहा था, उस प्रकार का कोई लाभ जनजातीय लोगों को नहीं मिला है, क्योंकि जिन क्षेत्रों में भी ये रहते हैं वो सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो खनिज पदार्थों से युक्त हैं या उन क्षेत्रों में जो है प्राकृतिक बहुत सारे ऐसे स्रोत हैं जिनके द्वारा देश का आर्थिक विकास सोचा जा रहा है या आर्थिक विकास में पहल की जा रही है। आदिवासियों के मुद्दों की जब भी चर्चा होगी नेहरू जी हमेशा याद किए जाएंगे, क्योंकि आदिवासियों के विकास के लिए
उनके पंचशील के सिद्धांत के लिए इन्हें आदिवासी विकास के 5 स्तंभ माना जाता है। आदिवासी विकास के 5 स्तंभ, जो पंचशील की बात कभी कभी आती है जिस पर हम लोग सामान्य रूप से ध्यान नहीं देते, यह उन्हीं का एक विचार था और उन्होंने 5 बातें कही। और ऐसा कहा जाता है कि नेहरू जी ने स्वयं इसका पालन नहीं किया था, क्योंकि बहुत सारे लोग आज सिविल सोसाइटी के लोग, खासकर जो एक्टिविस्ट लोग हैं, एनजीओ के लोग हैं, वो इसको उठाते हैं और फिर दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे इसका पालन नहीं किया गया। मैं इन 5ों का केवल हेडिंग आपको बोल देता हूं, उस पर चर्चा अभी नहीं करूंगा क्योंकि अब समय नहीं है। ये जो 5 पंचशील की जो 5 बातें हैं, पहली है नॉन इम्पोजिशन, दूसरी है रिस्पेक्ट ऑफ ट्राइबल कस्टम्स, तीसरी है डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल यूथ, चौथा है सिंप्लिसिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और इसके बाद 5वां है एम्फेसिस ऑन ह्यूमन ग्रोथ। ये 5 महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही थी, लेकिन इन 5 बातों का जो परिणाम है वो कुछ बहुत अच्छा दिखाई नहीं दिया। भले ये अलग बात थी कि उसके आधार पर जनजातियों को उनकी जमीन, जंगल और जो भी संपत्ति थी उससे बेदखल कर दिया गया और उनकी स्थिति बहुत खराब हो गई। समस्या क्या है, यदि उन समस्याओं पर हम चर्चा करें तो हम देखते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन में भी उन्होंने भाग लिया था। आप जानते हैं कि भारतवर्ष का बहुत सारा इतिहास जो है वो सही नहीं, और वो पूर्वाग्रह युक्त लिखा गया है, उसमें उन सभी लोगों को छोड़ दिया गया है जिनका उनको समझ में आया कि इसका कोई महत्व नहीं है। ऐसे अनेक जनजाति लोगों को छोड़ दिया गया जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, उनका नाम जो है स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाना चाहिए था, लेकिन उनके नाम की कहीं चर्चा नहीं मिलती है। मैं उल्लेख करना चाहता हूं 1780 में बाबा तिलका मांझी अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई किए थे और उनको आज हम लोग आज उनको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, उनको महिमा मंडित करने की कोशिश कर रहे हैं। वर्षों तक उनकी उपेक्षा की गई और धीरे धीरे अब उनका नाम सामने आने लगा है। इसी तरह से सिधो कान्हू, बिरसा मुंडा, फूलो झानो, नीलांबर पीतांबर उल्लेखनीय नाम है। आपको आश्चर्य होगा कि मुझको भी नहीं पता। एक बार मुझको एक इंटरव्यू में बुलाया गया और झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा, उसमें लिखा था कि नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी में और सिद्धो कानू यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन है, तो मुझको लगा किसी ने ये फर्जी भेज दिया है, इस नाम की कोई यूनिवर्सिटी होगी नहीं, नीलांबर पीतांबर नाम। और ये बाद में मैंने उसको पढ़ा तब मुझे समझ में आया कि ये कितने महत्वपूर्ण लोग थे, आदिवासी नेता उस जमाने में ये इतने जागरूक थे कि उनको मालूम था कि देश का हित क्या है और अंग्रेज किस प्रकार से हमारे देश में जो है हमारे देश का हित करने जा रहे हैं, किस प्रकार से हम लोगों को जो है सत्ता से हटाने जा रहे हैं, और उन लोगों ने संगठित होकर के उनके खिलाफ जो है स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। तो हम लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए, और हम ये सोचते हैं कि जो बर्बर हैं या वो जंगली हैं या उनका दिमाग कम है, इस प्रकार के जो भ्रम हमारे दिमाग में है उससे हमको हटना होगा, हमको उनके महत्व को समझना होगा कि 1780 में जो इतना जागरूक है वो आज 2021 में किस प्रकार का होगा। तो 1940 में यदि हम देखें भारत की कुछ जनजातियों का ऑस्ट्रियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट जिसको हम हेमन ड्रॉफ कहते हैं, उन्होंने अध्ययन किया था 1940 में, अध्ययन करता है हेमन ड्रॉफ, और बाद में जब 1970 में वो पुनः अध्ययन करने आता है तो उसने प्रश्न खड़ा किया कि जो समुदाय आत्मनिर्भर था 30 वर्ष पहले वो कैसे सब्सिडी की आवश्यकता महसूस कर रहा है, यानी अपने एक समय वो 30 साल पहले तक वो आत्मनिर्भर है और ऐसी स्थिति हमने पैदा कर दी कि वो सब्सिडी के लिए तरस रहा है, तो ऐसा कैसा हो गया। दशकों पूर्व उनकी जो महिलाएं थी उनकी परिस्थिति उच्च थी, लेकिन उन्होंने कैसे अपनी परिस्थिति खो दी। तो हमको इस, हम समाजशास्त्री हैं, हमको इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि कैसे ऐसा हो गया, एक आत्मनिर्भर समुदाय कैसे जो है वो निर्भर हो गया, सरकार की ओर देखने लगा, स्टेट मैकेनिज्म की ओर देख रहा है, उनकी औरतों की स्थिति भी खराब हो गई। तो इसका कारण हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि औद्योगिकरण, और मेरे पास बहुत सारे तथ्य यहां पर उपस्थित हैं जिसमें जब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में औद्योगिकरण होता है तो उसमें साफ साफ बताया गया है कितने परिवारों को कहां कहां से हटाया गया। और हम एक संक्षेप में केवल उल्लेख कर देना चाहते हैं कि जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी तो आपने देखा होगा उसका मुख्य लक्ष्य था औद्योगिकरण, ठीक है, दुर्गापुर भिलाई और राउरकेला के जो इस्पात संयंत्र थे वहां पे लगाए गए, तो आप जहां पे वो लगाए गए वो सारे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र थे और कई हजार जनजातियों को वहां से हटाया गया और उसके एवज में केवल कुछ प्रतिशत जनजातियों को ही हम लोग ठीक से रीशटल करा पाए, हम लोग उनको पुनर्स्थापित कुछ ही जनजातियों को करा पाए, बाकी सब ऐसे के ऐसे ही चले गए। देश में आर्थिक विकास जब बहुत तेजी से होने लगा ये सारे के सारे जनजाति के लोग थे, ये सारे के सारे जो हैं अपने जो मूल जो जीविका निर्वाह कर कार्य था उससे सब वंचित हो गए और सब समझिए एक तरह से समझिए कि वो सभ्य मानव के जो हैं वो गुलाम हो गए। तो कोयला खनिज का जो बाहुल्य क्षेत्र है 90% कोयला 50% खनिज पदार्थ जो है वो जनजातीय क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। जनजातीय सामुदायिक क्षेत्रों में राज्य का स्वामित्व जिसे कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज कहते हैं को प्राप्त करने के लिए उद्योगपतियों में होड़ मच गई,
बहुत सारे ऐसे कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेस थे जिसके बारे में हम लोग को ज्ञान नहीं है और उद्योगपतियों ने उन सबको कब्जा कर लिया। आप अगर उड़ीसा में चले जाएं तो आप वहां पर देख सकते हैं अंगुल प्रोजेक्ट को, यदि आप देखें तो आप देख सकते हैं। पता नहीं हम आप में से कितने लोग गए हैं, लेकिन यदि आप जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से आदिवासियों को उनकी जमीन से जो है बेदखल किया गया, जंगलों से बेदखल किया गया, उनकी क्या स्थिति हुई होगी। उसको सोच करके आप बहुत चिंतित हो सकते हैं, क्योंकि आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि कितने बड़े बड़े प्रतिष्ठान उन जंगली क्षेत्रों में स्थापित हैं। तो और वहां पर जो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज थे उन सभी को बड़े उद्योगपतियों ने कब्जे में ले लिया, क्योंकि वहां उनका विरोध करने वाला कोई नहीं था। तो धन की शक्ति से जो है विश्व संचालित हो रहा है, आप अच्छी तरह से जानते हैं, तो हमारा देश भी कोई अपवाद नहीं है। धन की शक्ति से ही सब संचालित हो रहा है। मानव न्याय और समानता का सिद्धांत जो है वो अप्रभावी है, ये सत्य बात है, और हम लोगों को इसके प्रति बहुत संवेदनशील होना होगा। और हम ये मान के चलते हैं, जैसे मैं कई मुद्दों को जब उठाता हूं, खास करके जब वरिष्ठ नागरिकों के मुद्दों को उठाता हूं, तो मैं तीन बात कहता हूं कि हमको एडवोकेसी करनी होगी, हमको सेंसिटाइज करना होगा, हमको अवेयरनेस के कार्यक्रम चलाने होंगे। और यदि हम ऐसा करते हैं तभी हम जनजातियों के साथ न्याय कर सकते हैं। जनजातियों की बहुत सारी समस्याएं हैं, मैं हमारे बहुत सारे मित्र हैं वो जल जंगल जमीन की लड़ाई से हम उनकी परिचित हैं, हमारे ये मित्र जो हैं उन पर चर्चा करेंगे, मैं उस पर अब बहुत ज्यादा बात नहीं कहना चाहता। मैं कुछ सरकारी जो नीतियां हैं, प्रावधान है, कार्यक्रम है, प्रभाव है, उसका संक्षेप में आपके सामने उल्लेख कर देता हूं। मैं माफी चाहता हूं कि समय की सीमा है और मैं उस सीमा को पार कर रहा हूं, लेकिन मैं उसका उल्लेख कर दूं जिससे हमारे आशीष जी यहाँ विद्वान हैं वो उस पर कुछ बहस करेंगे तो बाकी जो प्रतिभागी गण हैं उनको उससे लाभ प्राप्त हो सकेगा। और ये बहुत जरूरी है आज के संदर्भ में, यदि हम अपने को सभ्य कहते हैं तो हमको उस एक बड़े जो 10% जो की जो जनसंख्या है उसके साथ न्याय करना होगा, उसके प्रति हमें मानवाधिकार का जो हमारा दृष्टिकोण है वो सकारात्मक रखना होगा। भारत में कई स्तरों पर प्रयास हुआ है, संवैधानिक प्रावधान है आप अच्छी तरह से जानते हैं, कानून का निर्माण किया गया है, महत्वपूर्ण आयोग और कमेटियों का गठन किया गया है और पंचायती राज में भी प्रावधान किया गया है। तो बहुत सारे इस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। जो मेजर इश्यूज हैं कवर्ड इन द ट्राइबल पॉलिसी 2006 को यदि आप देखें तो उनमें कई इश्यूज उसमें कवर किए गए हैं, जैसे रॉन्गफुल एनेशन ऑफ ट्राइबल लैंड और टेन्योरियल इनसिक्योरिटी, इसके बारे में बात कही गई है। ट्राइबल फॉरेस्ट इंटरफेस की बात उसमें कही गई है। डिस्प्लेसमेंट, रिहैबिलिटेशन और रिसेटलमेंट की बात कही गई है और उसको देखने की कोशिश की गई है कि इसके क्या स्वरूप होना चाहिए, इस पर किस प्रकार से हमको आगे बढ़ना चाहिए। और एनहेंसमेंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात भी उसमें कही गई है, उसमें लाइवलीहुड की जो अपॉर्चुनिटीज है उसको भी समाहित किया गया है। और स्टेप्स टेकन टू रिड्यूस माइग्रेशन अमंग ट्राइबल्स, मनरेगा के अंतर्गत उनको रोजगार देने की बात कही गई है, उत्पादकता में कैसे वृद्धि की जाए कि इनका जो माइग्रेशन हो रहा है वो माइग्रेशन रुके। उसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि जो मनी लैंडिंग और इंडेबटेडनेस है उसको किस प्रकार से रोका जाए, इंस्टीट्यूशनल जो फ्लेक्स है और क्रेडिट का या जो कंजम्पशन का जो लोन है जो उसको कैसे देखा जाए, उस पर किस प्रकार से विचार किया जाए। इसी प्रकार से कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप, जिस पीटीजी की हमने बात की थी, जिसको पीवीटी अभी कहने लग गए हैं, उनके बारे में भी उस पर चर्चा की गई है। जेंडर इक्विटी की बात भी कही है, ये तो सामान्यता वहां है ही, फिर भी विशेष साक्षरता कार्यक्रम महिलाओं के लिए तथा अन्य कुछ जो ट्राइबल लोग हैं उनके लिए चलाने की उसमें बात कही गई है। इसमें ट्राइबल कल्चर और ट्रेडिशनल जो नॉलेज है उसके सहयोग, संरक्षण, सांस्कृतिक कार्यक्रम इत्यादि की भी चर्चा की गई है। इसी प्रकार से शेड्यूलिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ ट्राइब्स की बात भी उसी के अंतर्गत आती है। तो जितने भी कमीशन बने थे, बहुत सारे कमीशन बने हैं, बहुत सारी कमेटियां बनी हैं, जैसे कि द सोशल वेलफेयर टीम ऑफ द कमेटी ऑन प्लान प्रोजेक्ट 1959, द वेरियर एलविन कमेटी ऑन ट्राइबल डेवलपमेंट, द कमेटी ऑन ट्राइबल इकोनॉमी इन फॉरेस्ट एरिया 1967, द शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइबल कमीशन देवार कमेटी जिसको हमने उल्लेख किया था 1961, द स्पेशल वर्किंग ग्रुप ऑन कोऑपरेटिव्स फॉर बैकवर्ड क्लासेस एंड ट्राइब्स 1961, जिसमें एमडी भार्गवा और चेयरमैन रहे हैं, उन्होंने इस पर भी काफी प्रकाश डाला। ये टास्क फोर्स ऑन डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल एरियाज 1972, द दुबे कमेटी 1972, द स्टडी टीम ऑन कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर इन ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एरियाज 1976, द स्टडी ग्रुप रिलीफ ऑफ इंडेबटेडनेस लैंड एलिनेशन एंड रिस्टोरेशन इन डेवलपमेंट एजेंसी एरिया 1973, द टीम ऑफ मार्केटिंग क्रेडिट एंड कोऑपरेशन इन ट्राइबल एरियाज 1978। ऐसे अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी इस प्रकार की कमेटियां हैं। और मैं एक उल्लेख करना चाहता हूं, एक जो मुकदमा हुआ था वो डोंगिरिया कोर रोंद का, बहुत लोग उसकी चर्चा करते हैं, उसमें जज ने हियरिंग में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी। उन्होंने कहा था, यू कांट डिस्ट्रॉय द फेथ ऑफ दोस पीपुल दे बिलीव देयर गॉड इज ऑन द हिल टॉप, एक पहाड़ की चोटी पे उनके भगवान थे और उस पहाड़ की चोटी को तोड़ा जा रहा था।
तो जज ने इस पर टिप्पणी की और कहा कि कैन यू टेल देम टेक अवे योर गॉड टू अनदर प्लेस, आर यू बैनिशिंग द गॉड। इतनी बड़ी बात उस कोर्ट ने कह दी। तो यह हम लोग को ध्यान में रखने की आवश्यकता है, इस प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न न हो। जो बड़े पूंजीपति हैं अक्सर गलत सूचना देते हैं, वो अक्सर उनके क्षेत्रों में बहुत ज्यादा कब्जा कर लेते हैं और इस प्रकार के बहुत सारे उल्लेख मिलते हैं जिसमें माइनिंग के पहले ही वो लोग माइनिंग का कार्य करने लगते हैं और स्थानीय लोगों को हटा देते हैं। कई कई हजार हेक्टेयर क्षेत्र से जनजातियों को वंचित कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में हम लोगों को इस पर विचार करना चाहिए कि जो विकास हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, तो डेवलपमेंट इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट, इसकी भी चर्चा बहुत ज्यादा उठ रही है और आजकल ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। हमको अपने जनजातियों के प्रति जो है बहुत ही संवेदनशील जो है, बहुत ही ज्यादा उनके प्रति बहुत उदार रूप अपनाना चाहिए और वो बहुत महत्वपूर्ण है। उनके पास जो है बहुत ऐसा ज्ञान है, उनके पास इस प्रकार की संपदा है जिसका हम अगर उपयोग करें तो वो मानवता की भलाई के लिए बहुत ही सकारात्मक परिणाम देंगे, ऐसा मेरा मानना है। और अगर ऐसा नहीं भी है तब भी हमको यह जानना चाहिए कि जो इतनी बड़ी जनसंख्या हमारे देश में है उसके मुद्दों को हम सही समझें। जो सरकारी नीति है वो बहुत स्पष्ट होनी चाहिए कि किस प्रकार की नीति को अपनाया जाए ताकि इनका हम संरक्षण कर सकें, इनको समाज की मुख्य धारा में ये मिला सकें, या जैसा भी हम चाहते हैं कि इनका विकास के साथ किस प्रकार से इनका समायोजन हो, उस पर हमको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। मेरा यह मानना है कि जो हमारे मित्र लोग हैं उस पर गंभीरता से विचार करेंगे। देश में अनेक पीएचडी हो रही हैं जनजाति लोगों पे और मैं अक्सर देखता हूं कि जितने भी शोध कार्य जनजाति लोगों पे हो रहे हैं, कहना नहीं चाहिए, अधिकांश शोध कार्य जो है गुणवत्ता विहीन है, उससे जनजातियों को कोई लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है। तो हमको यह प्रयास करना चाहिए, नई शिक्षा नीति भी यह कह रही है कि इसका जो है अप्लाइड एस्पेक्ट होना चाहिए, इस प्रकार का हो हमारा अध्ययन कि उससे सरकार को या समाज को लाभ प्राप्त हो। तो हमको इस दृष्टि से यहां पर आज चर्चा करनी चाहिए। मैं बहुत आभारी हूं ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज का, विशेषकर विकास कुमार जी का, जिन्होंने मुझसे संपर्क किया। इसके पहले भी उन्होंने मुझे कई बार आमंत्रित किया था लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि मैं कई बार जो है उपस्थित नहीं हो पाया, यात्रा में बाहर भी रहा और आज भी यही स्थिति उत्पन्न होती, लेकिन इस बार मैंने सोचा भले ही कुछ हो जाए नुकसान मेरा लेकिन मैं आज जरूर उपस्थित होऊंगा। तो मैंने अपनी फ्लाइट कैंसिल की और मैं बैंगलोर से हैदराबाद होते हुए जबलपुर अभी पहुंचा हूं केवल इसी कार्यक्रम में उद्बोधन देने के लिए। और मेरा यह भी एक आशय था कि आप जैसे समस्त प्रतिभागी और जो विद्वान हैं वो मेरे समक्ष उपस्थित हैं, उनका भी मुझे सहयोग प्राप्त होगा, आपसे भी मुझे सीखने का अवसर प्राप्त होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज का आभारी हूं कि उसने मुझे आमंत्रित किया। धन्यवाद।